हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं मौसमी, आज मैं जिस प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ वो है कॉलगेट विजिबल वाइट टूथपेस्ट। इसकी आउटर पैकेजिंग बहुत ही अट्रैक्टिव है, ये देखो बहुत ही सुंदर बनाया गया है इसका आउटर पैकेजिंग। ये प्रोडक्ट क्लेम करता है कि ये 7 डेज में 1 शेड वाइटर टीथ आपको प्रोवाइड कराएगा और ये कैविटी से भी फाइट करता है। और ये प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन है, इसमें मेंशन है, ये देखो आप 100% वेजिटेरियन है। और इसकी सेल्फ लाइफ 2 ईयर है। इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जैसे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, जैसे कि सिलिका, सोर्बिटल, ग्लिसरीन, पॉलीथाइलन, ग्लाइकोल, सोडियम फ्लोराइड, ये सब है इसके इंग्रेडिएंट्स। इसको यूज़ करने का जो डायरेक्शन बताया गया है, इसको आपको दिन में 3 बार 2 मिनट तक ब्रश करना पड़ेगा, तभी ये 7 डेज में 1 वीक में आपको वाइट टीथ, 1 शेड वाइट टीथ प्रोवाइड कराएगा। ये टूथपेस्ट 6 साल तक के बच्चे इसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। और इसमें 100 ग्राम प्रोडक्ट क्वांटिटी है। मैं इसे करीब 10 दिनों से यूज़ कर रही हूँ, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये प्रोडक्ट मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है। ये इसको मैं खोल के दिखा देती हूँ थोड़ा सा आपको, ये देखो इसमें कुछ ब्लू जैसे पार्टिकल्स दिए हुए हैं। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, आप इसे परचेस कर सकते हो। और हाँ, शायद मैंने आपको इसका प्राइस बताया, ये मुझे 92 रुपीज़ की पड़ी है, मैंने इसे बाहर से लिया है, ऑफलाइन लिया है। ये देखो वैसे तो ये 99 रुपीज़ की आती है, लेकिन मुझे 92 रुपीज़ की पड़ी है। तो दोस्तों, आप इस प्रोडक्ट को लेकर यूज़ कर सकते हो ये, लेकिन इसके जो डायरेक्शन ऑफ यूज़ है वो थोड़ा सा मुझे लगा कि दिन में 3 बार आपको 2 मिनट तक ब्रश करना होगा, तभी आपको ये 1 वीक में 1 शेड वाइटर टीथ प्रोवाइड कर पाएगा। लेकिन मैं इसको पूरे दिन में 2 बार ही यूज़ करती हूँ, एक तो सुबह और रात को सोने से पहले। तो ये था मेरा आज का प्रोडक्ट रिव्यू दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक बटन को हिट कर दीजिएगा, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा, सजेशंस अपने ज़रूर देना दोस्तों, मुझे बताना कि आपको और किन किन प्रोडक्ट के रिव्यूज़ चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।